Good morning, 6th class. Today we are going to learn lesson number 12, Safety Saves, which is given on page number 43. So children, open your rainbow book. Safety means suraksha, saves means bachati hai. So suraksha hi bachati hai. Pehle karenge hum is lesson ke word meaning. Strength, chillana, dangerous, khatarnak, crowded, bheed bhari, incident, ghatna, injured, ghayal hona, yell, chillana. Now start the lesson. Kunal was a careless boy. Kunal एक लापरवाह लड़का है. He often did things carelessly और अक्सर वो अपने कामों को बहुत लापरवाही से करता है. His parents always scolded him for his carelessness और उसके पापा मम्मी उसकी लापरवाही के लिए हमेशा उसको डांटते हैं. One fine morning, एक अच्छी सुबह, he was very disturbed. वो बहुत परेशान था. As he could not find his pen, क्योंकि उसको उसका पेन नहीं मिल रहा था. He needed the pen to write his English test. अपने English के test में उसको लिखने के लिए pen की जरूरत थी. He searched for it everywhere but could not find it. उसने pen को हर जगह ढूंढा लेकिन वो pen उसको कहीं पर भी नहीं मिला. As Kunal was getting late for his school, अब क्योंकि Kunal को अपने school जाने के लिए बहुत देर हो रही थी, he hurried down the road. वो जल्दी से भागकर सड़क पर गया. To catch the bus to school, अपने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने के लिए वो जल्दी से भागकर सड़क पर चला गया. He saw a large red colored bus leaving the bus stop और उसने बस स्टॉप पर एक बड़ी सी लाल रंग की बस देखी जो बस जाने ही वाली थी. He ran after it and jumped onto the bus. वो बस के पीछे दौड़ा और जल्दी से कूदकर उसमें चढ़ गया. Old man who was sitting in the bus says, एक बुड्ढे अंकल जी जो बस के अंदर बैठे हुए थे वो कुणाल से बोले, Don't you know, क्या तुम नहीं जानते, Trying to catch a running bus is a dangerous thing to do, कि चलती हुई बस में बैठना कितना खतरनाक हो सकता है. कुणाल बोला, I am in a hurry, मैं बहुत जल्दी में था. I have a test today, आज मेरा टेस्ट है. I did not want to miss my test. और मैं अपने टेस्ट को अपनी परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहता था. ओल्ड मैन बोले, इट्स बेटर टू मिस ए टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ये बेहतर होता कि तुम्हारा टेस्ट छूट जाता इससे पहले कि तुम्हारा पूरा जीवन ही तुमसे छूट जाए, यानी कि कोई दुर्घटना घट जाए. तो कुणाल बोला, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए. आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट. मैं इस बात को अपने ध्यान में रखूंगा और इसको आगे मानूंगा. The bus was crowded. बस भीड़ से भरी हुई थी. कुणाल looked for his friends, but no one was there. कुणाल ने बस में देखा कि शायद उसका कोई दोस्त हो, लेकिन उस बस में उसका कोई भी दोस्त वहाँ पर नहीं था. He found that he was wrong. उसको पता चला कि वो तो गलत बस में चढ़ गया था. His face turned pale. अब तो उसका चेहरा पीला पड़ गया. Pale means पीला. He jumped off the moving bus और अब उसने दूसरी गलती ये करी कि चलती हुई बस में से ही वो कूद कर उतर गया. He landed with a bump on the road और जब वो कूदा तो वो जमीन पर गिरा धड़ाम से, रोड पर गिरा. A scooter was coming from behind. उसके पीछे एक स्कूटर आ रहा था. It stopped just a few inches away from him और उससे कुछ ही दूरी पर वो स्कूटर रुक गया. The woman on the scooter shouted at him. जो women, जो आंटी वो स्कूटर चला रही थी वो उस बच्चे पर कुणाल पर बहुत जोर से चिल्लाई. Women, वो बोली, Do you want to hurt yourself? क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? कुणाल बोला, No ma'am, I am sorry. I am getting late for school. वो बोला, नहीं मैम, मुझको माफ कर दीजिए, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ. Women बोली, Does this mean you will jump off the bus? इसका मतलब ये है कि तुम बस से कूद कर उतरोगे. Don't you know, jumping off a moving bus is dangerous. क्या तुम नहीं जानते कि चलती हुई बस से जंप करके कूदना कितना खतरनाक हो सकता है. कुणाल started crying loudly. अब तो ये सुनकर कुणाल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. He was badly injured. Injured means चोट लगना. उसको बुरी तरह चोट लग गई थी. He told her the whole incident. Incident means घटना. उसने उन आंटी को अपनी पूरी घटना बताई. She listened carefully. और उन्होंने, आंटी ने कुणाल की पूरी बात को ध्यान से सुना. वो बोली, Remember,
ध्यान रखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि सॉरी बोलने से अच्छा है कि आप सुरक्षित रहो। कुणाल बोला, व्हाट शुड आई डू मैम, अब मुझे क्या करना चाहिए मैम? विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलोगी? वो बोली, वुमेन बोली, श्योर, हाँ हाँ बिल्कुल, आई कांट लीव यू अलोन इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में मैं तुमको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कुणाल बोला, थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद मैम आपका। इस तरह से वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गई अपने स्कूटर पर बिठाकर। ऑन द वे, रास्ते में शी रिसाइटेड हिम अ पोयम, रास्ते में उन्होंने कुणाल को एक पोयम गाकर सिखाई, और वो पोयम क्या थी, आप लोग भी मेरे साथ गाओ। नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर रन अक्रॉस, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, नेवर कैच अ रनिंग बस, नेवर पुट योर हेड ऑन हैंड्स आउट, नेवर येल स्क्रैम और शाउट, डूइंग दिस यू ऑल, ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड। अब हम करते हैं इसका मीनिंग। नेवर प्ले ऑन द रोड, यानी कि कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस, कभी भी सड़क को दौड़कर पार नहीं करना चाहिए। नेवर वॉक इन ग्रुप, सड़क पर कभी भी ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, बस में कभी भी कूदना नहीं चाहिए। नेवर कैच अ रनिंग बस, और चलती हुई बस में दौड़कर कभी भी चढ़ना भी नहीं चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, जब आप बस में बैठे हुए हो तो बस की खिड़की से या दरवाजे से अपना सिर या अपने हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए। नेवर येल स्क्रैम और शाउट, कभी भी आपको बस में बैठकर चिल्लाना या चीखना नहीं चाहिए। बस में हो या सड़क पर हो तो आपको चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। डूइंग दिस यू ऑल, ये सब काम करने से ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, आप भी सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करेंगे तो। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, आप सभी और आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन, अब कुणाल ने अपना पाठ सीख लिया था कि वो नेवर टू बी केयरलेस, और उसने प्रतिज्ञा करी कि वो कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। सो बेटर लेट देन नेवर, कि लेट होना अच्छा है कभी नहीं से, यानी कि कोई दुर्घटना घटे उससे अच्छा है कि आप लेट हो, लेकिन सुरक्षित रहें, बचे रहें और सावधानी रखें। ऑलवेज कीप इन माइंड, चिल्ड्रन और यंगस्टर्स विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर्स इवन फॉर अ जॉय राइड, आप अपने मजे के लिए कभी भी बच्चे हो या बड़े हो, बिना लाइसेंस के कोई भी टू व्हीलर यानी कि स्कूटर या मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ टू व्हीलर, जब भी आप दो पहिया वाहन चलाएं, स्कूटर मोटरसाइकिल, तो हमेशा हेलमेट पहने। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार, और अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी से कभी भी अपना सिर या हाथ बाहर ना निकालें। नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं या कोई भी सवारी ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी फोन पर बात ना करें, उससे आपका ध्यान भटक जाएगा और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पेवमेंट्स, हमेशा पैदल के लिए चलने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना है। क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सड़क पार करनी हो तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन राइट अगेन एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, जब भी आपको सड़क पार करनी है तो पहले अपने राइट पर देखें, फिर लेफ्ट पर देखें, फिर राइट पर देखें, और जब रोड क्लियर हो, दूर तक कोई वाहन न आ रहा हो, तो आप सड़क पार कर सकते हैं। इस तरह किसी भी दुर्घटना से आप खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। So, thank you for learning school activities, Pooja ma'am. Thank you.